राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आज शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में भाजपा नेता नारायण राणे के विरोध में आंदोलन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा नारायण राणे के विरोध में नारेबाजी कर उनकी प्रतिमा पर चप्पल मारकर निषेध व्यक्त किया गया। महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती ही जा रही है। राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में भाजपा के नेता नारायण राणे ने शरद पवार विरोध में वक्तव्य किया है, जिसका विरोध राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा किया गया। इस दौरान दुनेश्वर पेठे बोले कि जिस तरह का वक्तव्य किया गया है ये गलत है, इसलिए आज राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। 21 जून से महाराष्ट्र की राजनीति 21 जून से महाराष्ट्र की राजनीति गर्माते जा रही है। जिस तरह से शिवसेना के कई विधायकों ने शिवसेना छोड़कर सूरत और सूरत के बाद गुवाहाटी गए, जिसके बाद जो है हर एक जो लोग हैं राजनीति से जुड़े प्रतिक्रिया का दौर राज्य में शुरू है। उसी के तहत नारायण राणे द्वारा जो वक्तव्य किया गया था शरद पवार के खिलाफ, उसका विरोध करते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन नारायण राणे के विरोध में किया जा रहा है। हमारे साथ दुनेश्वर पेठे जी है, उनसे हम जानेंगे आज जो विरोध प्रदर्शन राष्ट्रवादी की ओर से किया जा रहा है, क्या मांग है। जिस प्रकार से कल नारायण राणे ने जो बात पवार साहब आदरणीय पवार साहब के बारे में बोला, हम उसका यहाँ पे निषेध करने यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए। आज पूरे भारत में पूरे देश में आदरणीय पवार साहब का नाम या उनके बाबत जो सम्मान पूर्वक बात की जाती है, लेकिन ये नारायण राणे उनको बोल रहे हैं, वो पवार साहब को बोल रहे हैं कि हम आपके घर तक के पहुंचने नहीं देंगे। यानी ये जो धमकी है, जो केंद्र शासन के बदौलत ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी के विरोध में हम उनको बताते हैं कि क्या होती है। एक बार नागपुर शहर में कदम रख के दिखाइए, हम आपको बताते हैं कि क्या धमकी होती है और कैसा कौन घर पे पहुंचता है और कौन कहाँ पे अटकाता है। जिस तरह से चप्पल मार कर आज जो विरोध जताया जा रहा है इस सब, इसका क्या लगता है कि आगे जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है, शरद पवार जो है इसका मतलब चाणक्य बनकर इस परिस्थिति पर मात कर सकते हैं। नारायण राणे ने जो जिस प्रकार से पवार साहब के बारे में बोला वो एकदम ही गलत है। जो वो ऐसा इस तरीके से उन्होंने नहीं बोलना चाहिए, जो कि सारी की सारी पार्टियां उनके प्रति अच्छी एक संवेदना रख के, एक भावना रख के बात करके, सम्मान रख के बात करते, लेकिन ये नारायण राणे, ये सारे गांव के सारे पार्टियां घूम के आने वाले और आज जो एक जगह पे स्थायी होने के बाद में वहां पे किसी प्रकार के वो भाजपा के इसमें हित में आके वो काम करने के लिए ये पवार साहब के विरोध में जो बात कर रहे हैं, वो उसका हम निषेध करेंगे और आने वाले समय में वो यहाँ पे नागपुर में कैसे आते हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पर नारायण राणे का जमकर विरोध किया जा रहा है, चप्पल मार कर जो है फोटो का विरोध किया जा रहा है, साथ ही नागपुर में आने पे किस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन होगा ये भी यहाँ पे दुनेश्वर पेठे द्वारा बताया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।